मंगलौर के लिब्बरहेड़ी गांव के जंगलों में विगत दिनों एक किसान का खून लथपथ मिला था। बता दें कि एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी इस मामले में पुलिस ने अभी तक कोई खुलासा नहीं किया है, जिसको लेकर किसानों ने संयुक्त रूप से गुड मंडी परिसर में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि लिब्बरहेड़ी के जंगलों में पशुओं के लिए चारा लेने गए किसान की हत्या की गई है। इसी क्रम में एसपी देहात स्वप्न किशोर ने धरना स्थल पर पहुंचकर किसानों को आश्वासन दिया है कि इस मामले की हर पहलुओं पर जांच की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मंगलौर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। भाई गांव में अभी ये जो बात हुई एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थिति, इसमें हमने 15 दिन का समय दे दिया अंतर्गत धारा 202 आईपीसी का अभियोग बनाम अज्ञात को जिक्र किया गया है। और ध्यान भी रखना इस तरफ, जिस संबंध में आज कोई पता कुछ लगता हो यूनियन के द्वारा और नहीं तो वार्ता के लिए 21 तारीख बैठेगी अपेक्षा की गई थी और इस संबंध में वार्ता की गई है। मुख्य रूप से इसमें आमजन से और सभी संबंधित लोगों से अपील की गई है, अपेक्षा की गई है कि वे इस घटना के संबंध में अगर किसी भी तरह की कोई भी जानकारी करते रहो, पर 30 दिन की तारीख को काम छोड़ दो, व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके विवेचक को वो जानकारी पूरे घटना धरना प्रदर्शन ये था। अभी 29 तारीख में देखा आपने, एक किसान का मर्डर करके उसे ट्रैक्टर के नीचे डाल दिया था लिबर्टी के किसान को, बहुत ही दर्दनाक वो हादसा था। और 29 तारीख से आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसकी 29 तारीख में तहरीर दी गई थी, वो मुकदमा भी कल हत्या का मुकदमा कल कायम कराया गया जब हमने धरने का नोटिस दे दिया। आज यहाँ कोतवाल साहब, एसपी दयाल साहब, पूरे तमाम फोर्स यहाँ आई थी, तो हमने 20 तारीख तक का, दिसंबर तक का टाइम दिया। अगर 20 दिसंबर तक हमारे केस का खुलासा नहीं होगा तो 21 दिसंबर को मंगलौर कोतवाली में अनिश्चितकालीन धरना चल जाएगा जब तक केस का खुलासा नहीं होगा।